सेंटर सरकार है यदि दुख की राग कि राग बीजेपी के आगू ने डांगा नाल वजन अथरू कहते गोलियां नाल वजन फिर पिंडां दे विच जो वोट लैन जाणगे भाई इन्हों कोई चार बर्फी खवाऊगा धियां नूं असीं दुकानां ते सिंखां दी डब्बी लैण भेज देते अज वह धियां साडियां सत सत समुद्रों पार सी किला किला दो दो किला बेच के उन्हां नूं विदेशां दे विच कल्लियां नूं भेजण वास्ते मजबूर होए पए आ। सेंटर की सरकार ने एम एस पी वाली मंग तो पहला मनी हुई है, बिजली एक्ट 2020 रद्द कराने की पहला मनी हुई है, लखीमपुर खीरी के जिहड़े साडे किसान शहीद करे ने उहदे दोषियों नूं सजावां देने वाली मंग पहला मनी हुई है। सानू शौक थोड़ी है बई, असीं आपदे घर के काम छड्डी फिरदे आ, असीं उह दो दो तीन तीन किलियां वाले वह किरती लोग हाँ, किरत करन वाले लोग हाँ, जिहड़े मेहनत करके मशक्कतां करके जिन्हें साडी भारत सरकार तों ठूठा छड़ाया थी। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो सिख संगत टीवी। इस समय असीं पटियाले मौजूद हाँ, जिथे कि पिछले काफ़ी अठ नौ दिनों तो लैके भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे वल्लों इत्थे जिहड़ा पक्का मोर्चा लाया गया सी 22 तरीक तक, पर जिहड़ा इह मोर्चा सी हाले अगे दा जो समा है हाले कोई पक्का समा नहीं रख्या गया। साडे नाल प्रधान साहब ने बराज साहब बाकी जिहड़ी गल्लबात आ जां किसानां दी जिहड़ी एम एस पी नूं लै के जां दिल्ली कूच करन करके जिहड़ियां गल्लां बातां ने उह आपां प्रधान साहब दे नाल करदे हां। सत श्री अकाल प्रधान साहब, स्वागत आ तुहाडा सिख संगत टीवी ते। सत श्री अकाल जी भाई जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह ब्रास, जिला प्रधान बीकी योग्यता ग्राहां पटियाला। जिहड़े साडे अपने बीजेपी के आगू अगे धरने लाए हुए ने, यह अज 17 तरीक तो लैके अज 6वें दिन विच अपना जिहड़ा मोर्चा वह पुज गया। फिलहाल साडी इहदे ते इही काल है भी इहनूं जिवें अपने मोर्चे चल रहे ने पंजाब दे विच, चाहे टोल प्लाजियां दे ने चाहे वह बीजेपी के आगू अगे ने, हजे फिलहाल इहनूं उस तरह चलाया जाऊगा। बाकी संयुक्त मोर्चे की अज मीटिंग हो रही है, मीटिंग दे विच की निकल के आउंदा है उदों बाद जो मीटिंग दे विचों निकल के आऊगा वह काल दे उपर असीं फुल चढ़ावांगे, उहदे डट के पहरा देवांगे। जिवें कि हुण तरह तरह के सवाल उठ रहे ने कि उगराहां जथेबंदी है जिहड़ी दिल्ली क्यों नहीं जाती, जां इत्थे इन्हां दीआं कोठियां दा घराव करके कोई इन्हां नूं फायदा निकलदा जां नहीं निकलदा। देखो भरावो, असल दे विच ना पहले समें दे विच बुढ़ियां बात पाया करदियां सी, उह कहिंदियां जे दैंत नूं मारना है उहदी दैंत दी जान आ जिहड़ा फलानी जगह दे उपर पिंजरा टंगिया होया, उह पिंजरे दे विच तोता है, उह तोते दे विच जान आ। इस तरह अज असी उस गल नूं समझते हुए भी जिहड़ी समय की सेंटर सरकार है इहदी दुख की राग कि है, वह राग बीजेपी के आगू ने जां टोल प्लाजे ने जिहड़े इहदे मित्रां दे ने, वह टोल प्लाजियां दे उहनां दीआं कमाईआं ठप्प करीआं होईआं ने। आ जिहड़े बीजेपी के आगू ने जिहड़े पंजाब दे विच वड्डे आगू ने, पहलां असीं तिन्न आगूआं दे अगे बैठे हाँ, उदों बाद इही काल 37 जथेबंदियां दे जिहड़ा संयुक्त मोर्चा पंजाब बणिया होया उहने लागू करती। अज जे इही काल पूरे भारत दे विच लागू हुंदी है तां क्यों नहीं मोदी सरकार नूं झुकना पऊगा, क्योंकि उह बीजेपी दे आगू जिन्हां ने 2024 दी सत्ता हथियाण वास्ते पिंडां दे विच जाणा, जदों उहदे 12 दे विच आ के बैठणगे, 12 च बैठे लोकां दे इह तसद्दद ढाउणगे, उहनां नूं गोलियां नाल वाजणगे, डांगां नाल वाजणगे, अथरू कहिंदे गोलियां नाल वाजणगे, फिर पिंडां दे विच जदों वोट लैण जाणगे भाई इहनूं कोई चार बर्फी खवाऊगा नहीं ना। जिवें हुण किसान आगू डल्लेवाल साहब ते पंधेर साहब कल गए ने पुलिस दे अधिकारियां नाल, उहनां दी गल्लबात होई आ, असीं उह कवरेज कीती आ, पर उहनां वल्लों इह कहा गया अधिकारियां वल्लों भी सरकार दा सानूं इह हुक्म आ भी जे तुसीं दिल्ली आउणा ते जिहड़े तुहाडे जिमीदार किसान भरावां दे जिहड़े ट्रैक्टर ने जां होर आवाजाई दे साधन ने उहनां उह नहीं दिल्ली जाण देणे, तुसीं पैदल दिल्ली जा सकदे हो। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਖੇਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਆ ਧੰਦਾ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਸੀ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਦੋ ਦੋ ਕਿਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ,
मान लो उन्होंने अं सड़कों पर लैके इन्हों ट्रालिया के असी राशन पानी भी लेके जाना है, रोटियां पकानियां खानियां, क्योंकि जेकर फौजा असी कहिए भी सानू बाहरों राशन आऊगा, बाहरों राशन आना बंद हो जाए साडा की बनूगा बई। असी ये रोटियां का प्रबंध, अपने बिस्तरियां का प्रबंध सारा वो लैके गए, पहला भी जो दिल्ली गए छे छे महीने राशन लैके गए। जी प्रधान साहब, तुम एम एस पी की गल न लैके ये मुद्दे को लैके अगे बधे हो भी जिमें हूँ एम एस पी के जोड़े फसलों के रेट ने वह भी बदलगे, ये गरीब वर्ग न की नुकसान तो की फायदा होगा भी वो जी एम एस पी का रेट लागू हो, गरीब वर्ग का बंदा वो फसल है जी जा कणक जा चौल ने उन्होंने उस हिसाब का खरीद सकेगा। देखो जी एम एस पी है, एम एस पी एस पी आप सारिया फसलों से मंगते हैं, हुण जिहड़ियां होर फसलां पंजाब दे विच हुंदियां ने, मान लो किसान दे किसान कोलों मूंगी 20 रुपये किलो खरीदी जांदी है, जदों उही किसान उह मूंगी शहरों ही आके खरीददा है उहनूं 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो मिलदी है। जदों इहनां दा कोई पक्का रेट बन्नया जाऊगा, मान लो पिंडां दे विच साडे मक्कियां बीजण लग जाणगियां, मूंगियां बीजण लग जाणगियां, छोले बीजण लग जाणगे, जदों इह सारियां फसलां बीजण लग जाणगियां, मान लो जिहड़े साडे पिंडां दे विच खेत मजदूर ने साडे जिहड़े अज्ज वेहले बैठे ने मोड़ां दे उपर घरां दे उपर वेहले बैठे ने वास्ते रुजगार नहीं कोई, उन्हां नूं पिंडां दे विच कम मिलेगा। बाकी असी जे एम एस पी मंगदे हाँ, एम एस पी दे नाल नाल जनतक वंड प्रणाली की मंग करते हैं भी जिहड़े किसानां जां मजदूरां कोले जमीना नहीं, जमीना तो बेजमीने ने, उन्हां नूं जिहड़ा लोड़ीदा समान है रोज़ दी रोज़मर्रा जिंदगी दे विच कम आने वाली गल्लां ने उह ना मात्र लागत खर्चिया ते इन्हां नूं मुहैया करा। जिहड़ा हुण कल एक अपना खेतीबाड़ी मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा सी गन्ने दा रेट सी जिहड़ा 315 रुपए सी उन्हें 25 रुपए वधा के 340 कर दिता भी उसका भी किसानों को कोई फायदा होगा। बाई जी जी अज कह लिए ना साल की खेती है गन्ना, महसा जी तूड़ी पाने वो 500 रुपये क्वार्टल भी किसानों थोड़ी लगती है भी वह रेट नहीं, हुण साल की खेती जे असी वढ के डंगरां नूं पाईए देखो मझां खांदियां ने, मान लो एक पास तो 500 रुपये क्वार्टल चीज़, एक पास 325 रुपये क्वार्टल, मान लो असी वो चीज़ डंगरां नूं पाउण वास्ते मजबूर हाँ। साढ़े कई किसान गन्ने नूं बेचते नहीं, जिहड़े घट गन्ना बीजते ना वो कुट के मैसां नूं पा दिंदे नहीं, मान लो जिन्नी बड़ी लागत है तो जिन्ने खर्चे ने साल भर की खेती है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੇਟ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਬੜੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੂ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ 22 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕਣ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 2-2-3-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੂਠਾ ਛੜਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
जे उन्हां नूं उन्हां दे लागत खर्चे दे मुताबिक फसलां दे भाव नहीं मिलते, आपां कहिंदे वी सी टू प्लस, मान लो कहने का भाव कोई भी फसल है उहदे विचों 50% मुनाफा चाहीदा है। हुण कोई भी है वो जिन्हें जे किसी ने जुत्ती बनाउणी है ना, जुत्ती बना के उहदे ते किन्ना खर्चा आ गया, किन्ना कमरे का खर्चा, सारे खर्चे कढ के उदू बाद आमदन के उपर रखनी है भाई इन्ने बचण मैनू। एक किसान ऐसा जिहड़ा साल भर कमाई करता, मेहनत करता है, कमा के मंडी के जाके फसल छुटदा है, साडे किसानां दे मूँह चों आ गल निकलदी है भी फसल डिगण जा रहे हैं, आपदी मर्जी नाल एक जिहड़ा फूस निकलिया हुंदा, झार निकलिया हुंदा ना, वह असी वह मर्जी नाल बेच सकते हैं, फसल तो भाई डेग ही आने, मान लो वह सानू लागतों के मुताबक। हुण स्वामी नाथन कमीशन की जिहड़ी रिपोर्ट है वह कहिंदे भी जे किसान एक क्वांटल जिनस पैदा करता है इनू मुनाफा नहीं, ये 200 रुपया क्वांटल मगर पलो पा के दे रहा है। ये स्वामीनाथन कमीशन जिहड़ा सरकार दा बड़ा है, वो कमीशन की रिपोर्ट है, उन्हें अपनी रिपोर्ट के विच ये गल भी कही, जिवें आपां कहिंदे भी जिहड़े बेजबी ने किसान जां मजदूर ने, वह कहिंदा भी जदों पंजाब दे विच खुदकुशियां हुई उदों स्वामी कमीशन मान लो उन्हें रिपोर्ट करी पंजाब च, उहदी रिपोर्ट ये दसदी है भी वड्डी थोड़ पंजाब दे विच जमीना की है, जमीना की कहानी बनती इतने। हूँ जोड़े मोर्चा है लगातार इस तरह जारी रहेगा जा हाले कोई पोस्टपोन्ड जदों तक सानू कोई होर कॉल नहीं आती हैगी, बी के जू एकता ग्रह उदों तक संघर्षा के मैदान में जूझती रहेगी, उदों तक जो साडे मोर्चे ने उम्मीद चलणगे। उदू बाद जिमें अज जी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो रही है वो की निकल के आता है, जो भी कॉल आती है असं उ फुल चढ़ावे। बहुत धन्यवाद प्रधान साहब अपना जसविंदर सिंह बरास दा, जिन्हां ने जिहड़ियां किसानां दियां मंगां नूं लै के जां जिहड़ा इत्थे पक्का मोर्चा लाया होया अपनियां मंगां ते इत्थे अड़े होए ने, जिवें भी जिहड़ी जथेबंदी आ उगराहां इन्हां वल्लों जिहड़ा कोई अग्गे सुनेहा आउंदा है उस दे चलदे होए जे ये जिहड़ा मोर्चा इसे तरह इत्थे जारी रहेगा। बाकी होर नवीआं ते ताज़ा अपडेट देखते रहो सिख संगत टीवी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।